चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के मामले का नोटिस लेते हुए डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पीआईए एयर ब्लू सीरीन के सरबराह को भी आइंदा समाप्त पर पेश होने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट को लाइसेंस जारी करती है, ऐसे लगता है जैसे पायलट चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहे हों, वो मिसाइल जो कहीं भी जाकर मर्जी से फट जाए। बताया गया 15 साल पुराने जहाज में नक्स नहीं, मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाला गया। लगता है डीजी सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जाली डिग्रियों वाले पायलट के खिलाफ क्या किया गया, मुसाफिरों की जान खतरे में डालना संगीन जुर्म है। कल असेंबली की कार्रवाई देखकर हैरान हो रहा था। उधर तयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट आने के बाद सीईओ एयर मार्शल अरशद मलिक ने मुबैना जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी सिविल एविएशन से पायलट्स की फहरिस्त मांग ली। पीआईए के सीईओ की जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम को 2 खत लिखे गए। एयर मार्शल अरशद मलिक ने खत में कहा कि फौरी तौर पर जाली लाइसेंस के हामिल कप्तानों की लिस्ट फराहम की जाए, कवायद के तहत कप्तानों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा, जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स को जहाज उड़ाने नहीं देंगे। एयर मार्शल अरशद मलिक का कहना था कि जाली लाइसेंस वाले पायलट्स फ्लाइट सेफ्टी के लिए शदीद खतरा हैं।